एंड लाहौर के रीजन स्कूल रहमत कैंपस, द लेक्चर ऑफ साइंस फॉर क्लास 4, यूनिट नंबर 3, द प्लांट वर्ल्ड। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कशन अबाउट द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। एज वी हैव डन ऑलरेडी टू पार्ट्स ऑफ प्लांट इन प्रीवियस लेक्चर, नाउ मूव टूवर्ड्स द अदर टू पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। एज वी हैव डिस्कशन अबाउट द रूट्स एंड स्टेम। रूट्स का क्या फंक्शन होता है कि वो जो प्लांट है उसमें जो उसको है वाटर, ये रूट से उनके थ्रू पूरे प्लांट में जाता है, और स्टेम का था कि वो पूरे प्लांट को होल्ड करने में उसको हेल्प करता है, ठीक है, और रूट्स भी उसको होल्ड करने में हेल्प करता है। नाउ मूव टूवर्ड्स द अदर फंक्शन अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट, लीव्स हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। लीव्स का जो है बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है प्लांट में। दे आर प्लेस वेयर फूड इज़ प्रोड्यूस। ये कहाँ पे होते हैं? जहाँ पे फूड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। लीफ एक ऐसा पार्ट है प्लांट का जहाँ पे जो फूड है वो बनती है। तब सिस्टम ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और जो ये फूड प्रोड्यूस हो रही होती है, इस होल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस बेसिकली क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो प्लांट्स हैं वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। अब उसको अपने फूड प्रिपेयर करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? उसमें विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड वाटर, ठीक है। सो प्लांट कैन प्रिपेयर फूड। लीव्स कंटेन अ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। लीव्स जो है एक ग्रीन जो है सब्सटेंस, जो उसको केमिकल भी कहते हैं क्लोरोफिल, ठीक है, वो कंटेन करता है। अब जो क्लोरोफिल है वो क्या रोल प्ले करता है? क्लोरोफिल की वजह से जो जितने भी लीव्स हैं वो ग्रीन होते हैं, ठीक है, विच इज़ वाई लीव्स आर ग्रीन मोस्ट ऑफ द टाइम। इसलिए क्या होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल लीव्स आर ग्रीन। द क्लोरोफिल कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम द सन, एंड व्हेन दिस इज कम्बाइंड विद वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फूड इज प्रोड्यूस। जो क्लोरोफिल है वो एनर्जी को, जो सन से एनर्जी मिल रही होती है उसको कन्वर्ट कर देता है, और वो कंबाइन हो जाता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके फूड प्रोड्यूस करता है, ओके। नेक्स्ट, फ्लावर्स प्रोड्यूस सीड विच फॉर्म न्यू प्लांट। जो फ्लावर्स जो है वो सीड प्रोड्यूस करते हैं जिससे एक न्यू प्लांट बनता है। हाउएवर नॉट ऑल प्लांट्स हैव फ्लावर। जैसे कि हर प्लांट्स के फ्लावर नहीं होते। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें फ्लावर्स नहीं होते। फ्लावर्स हैव सेवरल इंपॉर्टेंट पार्ट्स इन देम। जो फ्लावर्स हैं उसके भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। सो प्लांट्स के हमने 4 मेन पार्ट्स पढ़े, रूट, स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स। जो रूट है वो प्लांट्स को एंकर करने में हेल्प करता है, और वाटर एब्जॉर्प्शन। जो स्टेम है वो भी होल्ड करने में, और इसके अलावा जितना भी जो वाटर है पूरे प्लांट में वो स्टेम जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है। और इसके अलावा जो लीव्स हैं, लीव्स का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि जहाँ पे जो फूड है वो प्रोड्यूस होती है, मतलब सिस्टम ऑफ, और इस पर सिस्टम ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? जो प्लांट है वो अपने फूड खुद प्रिपेयर करता है, और उसको फूड प्रिपेयर करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की ज़रूरत होती है। अब जब जो ग्रीन केमिकल जो है क्लोरोफिल, वो जो एनर्जी को कन्वर्ट करता है सन से, और जब कंबाइन हो जाता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के, तो फूड प्रोड्यूस होती है। और नेक्स्ट हमने फ्लावर्स पढ़े हैं। फ्लावर सीड प्रोड्यूस करते हैं जिससे एक न्यू प्लांट बनता है। मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन आंसर, बट पार्ट डज द लीफ प्ले इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। जो लीफ है वो क्या जो है रोल प्ले करता है प्लांट की ग्रोथ में? लीव्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज इट हेल्प्स टू मेक फूड फॉर प्लांट्स। जो लीव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि वो प्लांट में फूड बनाने की हेल्प करता है। वेयर वुड यू मोस्ट लाइकली फाइंड अ प्लांट डैट हैज़ रूट डैट गो डीप बीनीथ द ग्राउंड एंड स्प्रेड फार एंड वाइड। अब कहाँ पर जो फाइंड हम करेंगे जो प्लांट्स के रूट्स हैं डीपली बीनीथ द ग्राउंड, डीपली जो ग्राउंड में है वो स्प्रेड हुई होती हैं फार एंड वाइड। इन अ डे एरिया द लॉन्ग रूट्स आर नीडेड टू फाइंड अंडरग्राउंड वाटर। हमें वो कहाँ पे मिलती हैं? जो लॉन्ग रूट्स होती हैं वो हम अंडरग्राउंड वाटर में फाइंड कर सकते हैं। लेट्स रिवाइज दिस क्वेश्चन आंसर्स अगेन। व्हाट पार्ट डज द लीफ प्ले इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट?
leaf plays very important role as it helps to make food for plants. Where would you most likely find a plant that has root has go beneath the ground and spread far and wide? In a day area, the long roots are needed to find underground water. So this is all for today. Learn and write this question answers at home. Thank you.